गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ देश को जोड़ने के लिए स्वयंसेवक तैयार करता है। उन्होंने कहा, हमें सुरक्षित होना है तो देश को सुरक्षित करना होगा। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए समाज में एकता होने को जरूरी बताया। मोहन भागवत ने समाज को एक शक्ति के रूप में खड़े होने पर जोर दिया। संघ में स्वयंसेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं। उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है। करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है। इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। और हम देख रहे हैं जितने प्रमाण में यह हो रहा है, संघ तो इसी के लिए प्रयास करता है। हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हम हिंदू समाज है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हम सब उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने ये कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, जिन्होंने ये लक्ष्य हमको दिया ये तद्देश प्रसूतस्य। कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है, 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हो, खान पान रीति रिवाज कुछ भी हो, रहन सहन का प्रकार कुछ भी हो, विचार तत्वज्ञान कुछ भी हो, हम है वही। आज हम मानते कुछ भी हो, वास्तविकता यह है वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, तर्क से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उनसे संबंध रखते हैं और उनको दुनिया हिंदू कहती है। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां एक जोरदार आवाज सुनाई दी जिसके बाद एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अचानक से एक बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई और उसके बाद वहां धुएं का गुबार उठने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने राहत कार्य शुरू किया, जिसके बाद एक आदमी का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए दमकल विभाग के कई जवान काफी देर तक वहां जुटे रहे और वहां से मलबा हटाने के काम में लग गए। शुरुआती जांच के बाद पता चला कि पानी की पाइपलाइन फटने से वहां आवाज सुनाई दी थी। फिलहाल आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। इसके साथ ही क्राइम टीम और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई।